नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सचिवा। दोस्तों आज 31 अक्टूबर है, यानी कि आज दिवाली है। खैर इसे दीपावली भी आप कह सकते हो, दोनों शायद एक ही होता है। दोस्तों अगर लोगों से पूछो कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो पहले बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, और जिनको पता भी होगा तो उसमें से बहुत सारे लोग जो है कि जो अलग अलग मानने वाले लोग जो है कि अलग अलग तरीके से कथा कहानियाँ सुनाने लगते हैं। यदि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से पूछो कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो कहेंगे कि आज के दिन भगवान राम ने रावण से युद्ध जीतकर वापस जो है कि अयोध्या लौटे थे, और इसी खुशी में पूरी अयोध्या को जो है कि दीपों से सजाया गया था, और इसीलिए जो है कि दीपावली मनाई जाती है। लेकिन मैं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों से पूछो कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो कहेंगे कि भगवान बुद्ध जो है कि वो 18 सालों तक अयोध्या में रहे, और जब अयोध्या से लौटकर कपिल वस्तु गए तो कपिल वस्तु आने की खुशी में पूरे कपिल वस्तु को दीपों से सजाया गया, यानी पूरी तरह से जगमगाया गया, और इसी खुशी में हर साल जो है कि दीपावली मनाई जाती है। खैर वो दीपावली को दीपदान उत्सव के रूप में मनाते हैं। खैर किसी भी तरीके से मनाते हों, मेरी तरफ से आज सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपदान उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में पंडा पुजारियों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को काफ़ी अहमियत दी जाती है, यहाँ तक कि उन्हें भगवान का स्वरूप माना जाता है, ब्राह्मण देवता कहकर पुकारा जाता है। लेकिन वहीं एक समाज ऐसा है जो ब्राह्मणों का चेहरा देखना नहीं चाहता, जो ब्राह्मणों का चेहरा देखना उनके लिए अभी श्राप माना जाता है, पाप माना जाता है। वैसे तो वो हिंदू धर्म के ही हिस्से हैं, जैसे कि आज दिवाली है जहाँ लोग धन दौलत के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं वो आज के दिन अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, यानी जिस दिन पितर सौदन होता है उस दिन वो अपने पितरों को श्राद्ध नहीं करते, बल्कि दिवाली के दिन वो अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं। खैर वो समाज है गुर्जर समाज। खैर इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि 2014 के बाद, यानी उससे पहले अगर आप सुने होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2014 के बाद आप लगातार कई लोगों के मुंह से ये जरूर सुन रहे होंगे कि अगर भारत में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और वैसे भी जय श्री राम का नारा लगा के तो बहुत सारे हिंसाएं की जा रही हैं, दंगे फैलाए जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, यानी कुल मिला के कहें कि जय श्री राम का नारा अब सिर्फ नफरत फैलाने के लिए लिया जा रहा है। खैर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक मुस्लिम महिला जो है कि मंदिर के बाहर बट रहे प्रसाद या भंडारे कह सकते हैं, उस लाइन में खड़ी होती है ताकि उसको भी प्रसाद मिल जाए, लेकिन एक व्यक्ति है जो लगातार उसे कह रहा है कि अगर तुझे प्रसाद लेना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे गुरुद्वारे में खाए हैं, लेकिन कभी भी सिखों ने यह नहीं कहा कि तुझे वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोलेगा तभी तो उसको भोजन मिलेंगे। मैंने बहुत सारे मस्जिदें के बाहर भी बट रहे खाने या सेवइयों हमने खाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुझे अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। लेकिन अब जो है जिस प्रकार से नफरत बोया जा रहा है लोगों को, आप देख सकते हैं साफ तौर पे। जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा, बोलिए अंकल करके बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए अभी से। खैर हम आ जाते हैं गुर्जर समाज की उन कहानियों पर। दोस्तों वैसे तो आज दिवाली है, और दिवाली के दिन जहां बहुत सारे लोग जो है पंडा पुजारियों का, ब्राह्मणों का इंतज़ार करते हैं कि वो जल्दी से आएँ और हमारे घर जो है कथा रामायण करें, हवन यज्ञ करें, लेकिन वहीं जो गुर्जर समाज है आज दिवाली के दिन ब्राह्मणों का त्याग करता है, यानी ब्राह्मणों का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता, ब्राह्मणों का चेहरा देखना उनके लिए अभी श्राप माना जाता है। खैर इसके पीछे कहानियाँ क्या है मैं आपको बता दूँ कि गुर्जर समाज में शायद कोई देवता थे, क्योंकि कहानियाँ यही है कि गुर्जर समाज में उनके इष्ट देवता थे, शायद इष्ट देवता ही रहे होंगे, जिनका नाम था देव नारायण। दरअसल उनका जो है कि नामकरण होना था, लेकिन एक कोई विपरीत राजा था या फिर विरोधी राजा कह सकते हैं, वो राजा था जिनका नाम था बागड़, जिसके इशारे पर चार ब्राह्मणों ने गुर्जर समाज के उस देव नारायण भगवान का हत्या करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जिसके बारे में शायद देव नारायण जी को पता चल जाता है, और उसी दिन से देव नारायण जो भगवान थे वो गुर्जर समाज को नसीहत देते हैं, यानी श्राप देते हैं कि तुम ब्राह्मणों का चेहरा किस हर दिन देख लेना, लेकिन दिवाली के दिन तुम्हें ब्राह्मणों का चेहरा देखना पसंद नहीं होना चाहिए, यानी ब्राह्मणों का चेहरा देखना तुम्हारे लिए अभी श्राप माना जाएगा। और उसी परंपरा को शायद गुर्जर समाज आज भी आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों गुर्जर समाज से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि यदि गुर्जर समाज को कोई सामान खरीदना हो तो वो दिवाली के एक दिन पहले ही सब कुछ खरीद लेते हैं, चाहे वो रोजमर्रा का सामान हो या फिर कोई नया सामान खरीदना हो, वो दिवाली के एक दिन पहले ही खरीद लेते हैं। और यहाँ तक कि अगर दिवाली के दिन खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए अगर पानी वगैरह भी भरना पड़ता है ना, तो 12 बजे रात से पहले ही भर लेते हैं, यानी दिवाली के एक दिन पहले मध्यरात्रि तक वो सारे काम निपटा लेते हैं ताकि दिवाली के दिन उन्हें घर से बाहर ना निकलना पड़े। दोस्तों वैसे तो गुर्जर समाज खेती बाड़ी का काम करता है और यादवों की तरह दूध वगैरह का भी काम करता है, लेकिन
दिवाली के दिन चाहे जितना भी दूध हो वो घर में फट जाएगा, लेकिन वो दूध बेचने के लिए भी बाजार नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं, मतलब इतना कठोरता से उस परंपरा का पालन कर रहे हैं कि दिवाली के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, अपने उस इष्ट देवता का, देवनारायण जी के श्राप का या फिर नसीहत का पालन करते हैं कि हम दिवाली के दिन बाहर न निकले और ब्राह्मणों का चेहरा ना देखना पड़े। दोस्तों वैसे तो भारतीय संविधान जो है इस तरह का इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है कि आप जाति के आधार पर किसी के साथ इस तरह का भेदभाव करें, लेकिन अगर मान लो कि गुर्जर समाज जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के साथ इस तरह का भेदभाव कर रहा है या फिर उस परंपरा को निभा रहा है, यदि मान लो दीपावली के दिन ब्राह्मण गुर्जर समाज के सामने आ जाए तो फिर गुर्जर समाज क्या करेगा। दोस्तों वैसे मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ब्राह्मणों के साथ इस तरह का भेदभाव करना गुर्जर समाज के द्वारा या फिर परंपरा का निभाना, क्या यह सही है।